नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। एफएमईजी सेक्टर के एक मल्टीबैगर कंपनी के ऊपर बात करेंगे। इस कंपनी के बिना दोस्तों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो अधूरा सा लगता है। कोई नहीं है, कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। नो डाउट ये कंपनी फ्यूचर का एक मल्टीबैगर कंपनी है। आपके पास दोस्तों अगर ये कंपनी है तो ये आपके बुढ़ापे का सहारा भी बन सकता है। कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। लगातार ये कंपनी दोस्तों अपना मार्केट शेयर को वायर एंड केबल सेगमेंट में ये बढ़ाते जा रहा है। कुछ चुनिंदा पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर को दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे। पहले मैं आइए कंपनी का जो मार्केट शेयर है इसके ऊपर आपको लेके चलूँगा। देखिए यहाँ पर इनका एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है। FY20 में इसका देखिए मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड वायर एंड केबल्स की अगर हम बात करेंगे 18% हुआ करता था। आप देखिए 18% था, 20 से 22% हुआ और FY22 में ये बढ़ के देखिए 22 से 24% का मार्केट शेयर ऑलरेडी इस सेगमेंट में ये एक्वायर कर लिया है। इसका बिजनेस कंट्रीब्यूशन भी FY22 में देखिए 10.2% जो यहाँ पर FMEG बिजनेस से ये आपके आते हुए टोटल रेवेन्यू से आते हुए आपको नज़र आएगा। कंपनी का देखिए डीलर्स ये भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये 13.2% CAGR से इसका डीलर नेटवर्क भी बढ़ते हुए आपको नज़र आएगा। जितना डीलर बढ़ेंगे दोस्तों इसका सेल्स भी इतना ज़बरदस्त आएगा। देखिए FY19 से 3100 हुआ करता था, अभी 4500 नंबर ऑफ डीलर्स इनके पास हैं। रिटेल नेटवर्क भी 27% CAGR से ग्रो कर रहा है और बढ़ के ये देखिए 2,05,000 का तक का आंकड़ा ये पहुंच गया है। बाकी अगर हम कंपनी का दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, फाइनेंशियली ये कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे, पहले मैं दिखाता हूँ कंपनी का नेटवर्क लगातार देखिए बढ़ते हुए क्रम में आपको मिलेगा। FY18 से ये डेटा सब मिलियन में दिया गया है, 23,476 मिलियन का था। अब देखिए FY22 में टोटल नेटवर्क बढ़ के कितना पहुँच गया है, 55,438 मिलियन, दैट मीन्स 5,543 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये YoY ग्रोथ इसका 17% नज़र आता है और 5 ईयर CAGR को अगर देखेंगे नेटवर्थ का ये 23% CAGR से ग्रो करते हुए आपको नज़र आएगा। ये तो गया कंपनी का नेटवर्थ। नेट फिक्स्ड एसेट भी इसका बढ़ते हुए क्रम में आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ चुनिंदा पॉइंट को हम बात करेंगे, पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। देखिए पहले मैं दिखाता हूँ कंपनी का नेट सेल्स, इसके बाद देखिए कितना है। YoY ग्रोथ देखिए 39% है और 5 ईयर का CAGR सेल्स का देखेंगे ये 17% नज़र आता है। डेटा मिलियन में है। यहाँ अगर हम देखेंगे 1,22,038 मिलियन, दैट मीन्स 12,203 करोड़ का नेट सेल कंपनी लेटेस्ट FY22 में दर्ज करते हुए आपको नज़र आएगा। EBITDA अगर को देखेंगे ये भी बढ़ते क्रम में है, 14% का ये YoY ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है और EBITDA का अगर देखेंगे 5 साल का CAGR ये 20% निकल के आता है। नेक्स्ट देखते हैं डेप टू इक्विटी लगातार घटते क्रम में आपको नज़र आएगा, 0.01 अभी FY22 में कंपनी का आपको दिखेगा दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी का घटते हुए नज़र आया है, 16.5, फिर भी दोस्तों 15 के ऊपर का ये मेंटेन करके अभी चल रहा है। 16.5% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का निकल के आता है। डिविडेंड भी लगातार कंपनी दे रहा है, देखिए ₹14 का डिविडेंड अभी FY22 में कंपनी का है और 40% ग्रोथ यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी देते हुए आपको दिखेगा। नेट कैश एंड बैंक बैलेंस को अगर देखेंगे ये देखिए 14% YoY ग्रोथ इसका होते हुए आपको दिखेगा। 11,007 मिलियन का कंपनी का ये आपको देखेंगे नेट कैश पोजीशन, दैट मीन्स 1100 करोड़ का कंपनी के पास अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने हाथ में रखते हुए नज़र आएगा। कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका प्रोडक्ट और दोस्तों इसका बिजनेस तो आप सबको पता है। आप हर घर में इसका प्रोडक्ट केबल्स हुआ, लाइट हुआ, फैन हुआ ये यूज होते हुए नज़र आता है। डिटेल में बिजनेस के ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बिजनेस आपको पता है। सीधे कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर मैं चलता हूं। देखिए आज के दिन 3% की तेज़ी बनी हुई थी, 2018
1800 रुपया में कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2820 रुपया इसका 52 वीक हाई है, अभी भी 600 रुपीज दोस्तों नीचे आपको ट्रेड मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से। अपॉर्चुनिटी है, आप कोई भी प्राइस में अभी इसमें आप एंटर कर सकते हैं या दोस्तों इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। कंपनी देखिए 36 मल्टीपल पी में ट्रेड कर रहा है, 33,180 करोड़ मार्केट के वाली कंपनी है, और कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे 3 साल का 272% नज़र आ रहा है। ईयर टू डेट को अगर देखेंगे नेगेटिव दिखेगा, 3 महीने का भी नेगेटिव रिटर्न कंपनी का आते हुए नज़र आता है। बाकी कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज को मैं दिखा रहा हूँ, लगभग महीने का एवरेज डिलीवरी कितना है, 39% यहाँ पर निकल के आता है। नंबर्स को अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 100% लोग इसको दोस्तों ये बाय करने के लिए सजेस्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे, कोई भी सेल्स यहाँ पर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। कंपनी का मैं दिखा रहा हूँ नंबर्स, आखिर नंबर कैसा है कंपनी इसको भी हम देखेंगे, इसके ऊपर हम धीरे धीरे चलते हैं। ये देखिए नंबर्स भी लगातार बढ़ते क्रम में आपको मिलेगा। देखिए ईयर वाइज परफॉर्मेंस को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म दोस्तों मतलब होता है 5 साल 10 साल का। ये देखिए अभी ये शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाए दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभी मार्केट में चल रहा है ये तो दोस्तों ये अभी थोड़ी देर के लिए है, ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सालों से बहुत ऐसा चल रहा है, ऐसा आएगा क्राइसिस। अभी देखिए जियो पोलिटिकल इशू है, ये अभी प्रॉब्लम है, ठीक है पहले कोविड था, फिर इससे पहले और कुछ था, सबसे ये मार्केट दोस्तों उभर के आगे ही चलेगा। बस आपको यहाँ पर बेहतरीन कंपनी को पकड़ के रखना है, और इसको दोस्तों लंबे समय के लिए पकड़ के रखेंगे तो पैसा तो ज़रूर बनेगा। आप सबको पता है जो कि स्टेटमेंट यहाँ पर मार्केट में दिया जाता है, स्टेटमेंट आपको पता है कि जो दोस्तों यहाँ पर देखिए मंदी टेम्पररी है, बट ग्रोथ तो दोस्तों यहाँ पर परमानेंट है, आप सबको पता है। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखेंगे, ये देखिए 68.08% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर रखते हैं, FII के पास भी होल्डिंग है 5.6% की, DII के पास देखिए 9.18% की होल्डिंग है, बाकी पब्लिक यहाँ पर 17% की होल्डिंग रखते हुए नज़र आते हैं। धमाल कंपनी है दोस्तों, ज़बरदस्त कंपनी है, अगर है तो बने रहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। बाकी दोस्तों कंप्लीट डिसीजन तो आपके खुद का ही रहने वाला है। बस आज के लिए इतना था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।